नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर फॉर सर्विस बिजनेस। देखो, फील्ड सर्विसेज के ऊपर एग्जीक्यूटिव्स जाते हैं, ऐसे कई बिजनेस है, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस हो गया। कस्टमर का कॉल आता है पूरा दिन, भाई मेरा कंप्यूटर बिगड़ गया है, चालू नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम का पता करना पड़ता है, ये सब कंप्लेन लिख के रखनी पड़ती है। फिर एसी वगैरह जो जिसका बिजनेस सर्विसिंग वगैरह करते हैं, व्हाइट गुड्स रिपेयरिंग का भी काफी सारा काम होता है, भाई मेरे घर में वॉशिंग मशीन बिगड़ गया है या फ्लोर मिल बिगड़ गई है, तो इस टाइप के कॉल आते हैं। आरओ के जो बिजनेस करते हैं, वो मशीन जब इंस्टॉलेशन वाटर सॉल्यूशन वगैरह देते हैं, उन लोगों के भी ऊपर भी काफी कॉल आते हैं। इसको सर्विस रिलेटेड बिजनेस बोलते हैं। ऑटो गैरेज हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, भाई ले ये लो, ये मेरा जॉब कर देना, तो भाई वो जॉब करने में टाइम लगता है। तो ऐसी सभी चीजों के अंदर कंप्लेन आती है, टाइम लगता है, नोट करके रखना पड़ता है, और बाद में हमको फील्ड के ऊपर हमारे एग्जीक्यूटिव को भेजना पड़ता है कि भाई ये काम इतने, ये आज एग्जीक्यूटिव है, ये पांच 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 काम है, वो लिस्टिंग कर दिया, ये आप इतना पांच काम खत्म करके आना है। तो वो पूरा कॉल मैनेजमेंट बोलते हैं सर इसको, कंप्लेन मैनेजमेंट, सर्विस कॉल मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर जॉब वर्क आ गया, पेंडिंग कंप्लेन कितनी है, सर्विसेज कितनी है वो पता चलनी चाहिए, शाम को जाके जब वो विजिट करके आता है तो उसका पूरा डिटेल हम रखते हैं, फिर विजिट करके आ गया समझो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया, तो उसका बिलिंग वगैरह करना पड़ता है, तो वो पूरी डिटेल, और फिर कॉल क्लोज हो गया कि भाई सर आपका ये काम खत्म हो गया, तो थैंक यू वेरी मच। कस्टमर को इसका SMS वगैरह भी भेज सकते हैं हम लोग। तो ये सब चीजें, और फिर एनालिसिस कि भाई ये बंदे, ये जो एग्जीक्यूटिव है, उसने आज कितना काम किया, या उसके कितने जॉब पेंडिंग रह गए, या पूरे एक हफ्ते से कितने पेंडिंग जॉब है, उसने कितने काम खत्म कर दिए, तो ये सब डिटेल्स। और कस्टमर को हैप्पी रखना बहुत जरूरी है। तो कस्टमर को हैप्पी रखना मतलब क्या, ये सब चीजों की हमको पूरा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये खुशखबरी है, ये नया सॉफ्टवेयर तो है ही, और जो हमारा रिटेल या फिर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो सब कस्टमर भी उनके सॉफ्टवेयर के अंदर ये सब फैसिलिटीज ऐड करवा सकते हैं एक्स्ट्रा चार्ज देकर। तो आइए देखते हैं कि ये सब चीजें कैसे काम करती है। दोस्तों आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ये देखिए, ये हो गया हमारा डेस्कटॉप के ऊपर ये कॉल रिकॉर्डर। यहां पर ये देखो, हमने पूरा डिटेल दिया हुआ है। देखो यहां पर ये सेक्शन के अंदर बता रहा है लेटेस्ट कॉल के, भाई आज कहां कहां जाना है, न्यू वेव कंप्यूटर्स, राकेश एंटरप्राइज, राजेश भाई इतने कॉल अटेंड करने, आज के ड्यू कॉल्स कितने हैं। अरे ये सब देखो, मतलब ये सब लान हो गया है, मतलब ये सब कस्टमर को भाई जल्दी से हैप्पी करना पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। देखो यहाँ पर ये डेट आ गई कि भाई आज कॉल आया है। कॉल क्या है, मतलब सर्विस के लिए कॉल है, कंप्लेन कॉल है, भाई इंक्वायरी है, कोई कस्टमर इंक्वायरी के लिए भी कॉल करेगा, भाई मुझे ये सब चीजें चाहिए, तो वो याद भी तो नहीं रहता और इंक्वायरी चली जाती है, कोई और ऑर्डर ले जाता है। तो ये सब डिटेल भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये नया कॉल हो गया, तो ये डिटेल डाल दी, कस्टमर के नाम सब पूरे स्टोर रहते हैं, देखिए यहाँ पर ये, तो वो सब नाम यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके बाद ये देखा, देखो बिल नंबर, यदि हमने कोई इश्यू किया है बिल, तो वो भी डिटेल आती है यहाँ पर, क्या करना है, कंप्यूटर रिपेयरिंग के लिए कॉल आया है, एसी रिपेयरिंग, ऑटो रिपेयरिंग, आरओ रिपेयरिंग, क्या करना क्या है कस्टमर का, भाई हमको हमारा रैम चेंज करना है या पीसी को फॉर्मेट करना है, तो ये सब डिटेल हम डाल सकते हैं। ट्रांसफर टू, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का नाम डालना पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, जितने भी हमारे यहाँ सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके यहाँ जितने भी एग्जीक्यूटिव काम करते हैं उनके नाम लिख दिए यहाँ पर, उसका नंबर फोन नंबर आ जाता है, ताकि उसको ये देखो SMS टू एग्जीक्यूटिव और SMS टू कस्टमर, मतलब जैसे हम ये इंक्वायरी सेव करते हैं, ये देखो प्रीफर्ड विजिट कि भाई हम आज कॉल है, हम कब आज आने वाले हैं, कल आएंगे, कितने बजे आएंगे, तो उसका SMS भी चला जाता है दोनों को, एग्जीक्यूटिव को और कस्टमर को। ये कॉल का स्टेटस क्या है, भाई अभी पेंडिंग है, शाम को जब आएगा एग्जीक्यूटिव तो उसको क्लियर करवा देगा, या कस्टमर कभी कॉल करके बोल देता है भाई ये कंप्लेंट थी लेकिन अभी रिजोल्व हो गई, आप आना मत, तो ये कंप्लेंट कैंसल भी हो जाती है। तो ये डिटेल डाल दी यहाँ पे, कस्टमर को कुछ और एक्स्ट्रा चीजें कुछ ध्यान रखने जैसी है तो वो रिमार्क्स में डाल दिया, नोट में डाल दिया,
यहाँ पर देखो ये एबीसी कॉर्पोरेशन कंप्लेन लिखवा रहा है, तो उसका कॉन्टेक्ट पर्सन क्या कौन है और उसका मोबाइल नंबर क्या है वो भी आ गया दोस्तों। यहाँ पे उसका मेल आईडी है और क्या एस्टिमेटेड चार्जेस रहेगा ये काम के लिए वो भी हम बता सकते हैं। तो ये देखो ये पूरी डिटेल आ गई यहाँ पर, ये अपडेट कर सकते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, डिलीट, ये लिस्ट में चले जाते हैं। अब ये देखो ये लिस्ट कर दिया, तो आज की तारीख आ गई, मुझे आज और कल दोनों का देखना है, तो मैंने यहाँ 26th डेट डाल दी, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, यस। तो ये देखो ये दो दिन का मेरा पेंडिंग कॉल्स इतना है, इसमें से रमेश देसाई के इतने, रोहित वर्मा के इतने, मुझे सिर्फ रोहित वर्मा के देखने, तो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव नेम सिलेक्ट करके रोहित सिलेक्ट करूंगा। ये देखो ये मैंने रोहित सिलेक्ट कर दिया, तो ये रोहित को भाई आज दो काम है, पीसी फॉर्मेट करने जाना है, मेम्ब्रेन चेंज करने जाना है, ये नेक्सस एंटरप्राइज है, ये न्यू वेव कंप्यूटर है। तो ये इस तरीके से ये देखो पूरी डिटेल हमारे पास आ गई। अब एग्जीक्यूटिव शाम को वापस आएगा तो कुछ नहीं, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, पेंडिंग की जगह यहाँ क्लियर करके अपडेट कर देना है। तो ये कस्टमर को भी एसएमएस चला जाएगा कि भाई थैंक्स, आपने हमारी सर्विस ले ली, आपको सर्विस बढ़िया लगी होगी, ये सब एसएमएस भी जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा ये एसएमएस कैसे जाएंगे। ये पेंडिंग हो गया, यहाँ पर देखते हैं क्लियर कि भाई आज के क्लियर कॉल्स कितने, तो देखो ये पूरे क्लियर कॉल की लिस्ट आ गई। हम इसको एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, किसी भी कॉल को ढूंढना है, जैसे काफी सारे कॉल हो गए तो मैं यहाँ नाम से मोबाइल नंबर से भी ढूंढ सकता हूँ कि भाई नेक्सस का क्या स्टेटस है। तो ये मैंने नेक्सस एंटरप्राइज का पूरा डिटेल ले लिया कि भाई कब कॉल आया था, कौन जाने वाला था, तो मैं वो एग्जीक्यूटिव को फोन करके पूछ भी सकता हूँ कि भाई ये कस्टमर का क्या स्टेटस है। अब एसएमएस देखते हैं, देखो ऑटो एसएमएस है पूरा, हम देखते हैं यहाँ पर ये हेल्प में चले जाएंगे एसएमएस टेम्पलेट के अंदर। ये देखिए इंक्वायरी कॉल आएगा तो आ जाए कस्टमर को ऑटोमेटिकली, जैसे ही हम रजिस्टर करते हैं मैसेज चला जाएगा थैंक्स फॉर द इंक्वायरी, यहाँ पर लिख के आ जाएगा सर्विस कॉल होगा तो थैंक्स योर सॉफ्टवेयर कॉल विल वॉज अटेंडेड टूडे, इफ स्टिल पेंडिंग प्लीज डू फील फ्री टू कॉल ऑन दिस मोबाइल नंबर एंड थैंक्स, वेबसाइट का नाम भी आ गया। तो ये देखो इस तरीके से हम सर्विस देते हैं कस्टमर को। यहाँ पर ये देखो ऑटो एस एम एस है, इंक्वायरी सर्विस का कॉल आ गया, तो एग्जीक्यूटिव को क्या मैसेज जाना चाहिए कि भाई आपका कॉल नंबर ये है, ये पार्टी है और ये उसका प्रॉब्लम है, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिव को चला जाता है। यदि समझो एग्जीक्यूटिव ऑफिस पे नहीं आया है और बाहर से उसको मैसेज से ही पूरा डिटेल डाल देना है तो वो आ जाता है। ये शेड्यूल्ड मैसेजेस भी हमने इसके अंदर ही रखे हुए हैं। हाँ जी दोस्तों, अब ये कंप्लेन तो कर दी, सर्विस भी दे दी, कस्टमर को हैप्पी भी कर दिया, भाई कुछ पैसों की भी बातचीत हो जाए, यस। तो कस्टमर का बिलिंग बनाना पड़ता है, बिल पैसा आया कि नहीं बाकी, तो वो सब डिटेल भी वही सॉफ्टवेयर के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी बिलिंग की स्क्रीन हो गई, तो ये देखो यहाँ पर कस्टमर का नाम आ गया, डेट, क्रेडिट टर्म्स, कस्टमर की पूरी डिटेल डाल दी हमने, और यहाँ पर ये कैसा इनवॉइस बनाना है, वो एसी रिपेयरिंग भाई क्या चार्जेस लिया, कौन सी डिटेल के लिए लिया, वो पूरी डिटेल हम इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये इनवॉइस का ये देखिए ये प्रिंट आउट भी आ गया कि भाई ये मुकेश एंटरप्राइज, ये एड्रेस हो गया, एसी रिपेयरिंग चार्जेस फॉर ट्यूब रिप्लेसमेंट, यस 2500। ये देखो डिजिटल सिग्नेचर भी आ जाती है, तो ये इस तरीके से पूरा हमने इनवॉइसिंग भी कर दिया। तो मतलब एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर सर्विस बिजनेस मैनेजमेंट जो भी करता है उसका बिजनेस को मैनेज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो ये देखिए ये वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर यदि आप क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर का डाउनलोड डेमो लिंक भी हमने दिया हुआ है, तो वहां से डेमो डाउनलोड करो, और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड अदर वीडियोस और उसकी सब लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू वेरी मच।